नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पर दोस्तों भारत के लिए बहुत ही शानदार न्यूज उभर कर सामने आया है ने मुंबई ऑफशोर बेसिन में अरेबियन सी में दो नए ऑयल एंड गैस फील्ड्स डिस्कवर किए हैं अब ये कितने बड़े फील्ड्स हैं इसका एस्टिमेशन अभी चल रहा है डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन्स को कॉल किया गया है वो अब फाइनल नंबर देने वाले हैं कुछ दिनों में वो देंगे वैसे ये न्यूज दोस्तों ट्रस्टेबल है पक्की न्यूज है मुझे मालूम है आप में से काफी लोग कहेंगे सर लिथियम के बारे में भी ऐसे ही कहा था राजस्थान में डिस्कवर हो गया बाद में जितने भी न्यूज आर्टिकल्स ने कहा था न्यूज आर्ट की लिथियम डिस्कवर हुआ है वो सब मुकर गए तो देखिए दोस्तों ये न्यूज पक्की है इसमें आपको घबराना नहीं है बिल्कुल पक्की न्यूज है क्योंकि एक तो बहुत ही ट्रस्टेबल एंड रेप्यूटेबल सोर्सेज से भी सामने आया है और दूसरा ओ ने खुद भी क्लेम कर दिया है और काफी ज्यादा उन्होंने भी कहा है कि दिस इज बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी उनके द्वारा ये हुई है अब यहाँ पर दोस्तों इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले तो इस न्यूज के बारे में दो नए ऑयल एंड गैस फील्ड्स जो डिस्कवर हुए हैं वो जानेंगे दूसरी आप लोग पूछेंगे सर मोदी जी की तस्वीर क्यों लगाई है तो क्योंकि यहां पर हम बात करेंगे ओपन एकज लाइसेंसिंग पॉलिसी के बारे में और उसके बाद हम देखेंगे भारत में कौन कौन से हमारे हैं और कौन कौन से रिजर्व है उन सब पर भी आज की क्लास में चर्चा करेंगे तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं पर इससे पहले आगे बढ़े अग्निपथ बैच आप जान लीजिए दोस्तों केवल सात हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए में आपको मिलता है नौ सौ से अधिक घंटे की लाइव क्लास जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ कवर करने वाले हैं चालीस टेस्ट प्रीलिम्स के हैं दस टेस्ट मेंस के हैं मेंस मेटरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है सब कुछ आपको मिल रहा है यूज के सी टेन बोध हिंदी बैच है आपको हिंदी में हम बैच लेकर क्या पंद्रह जुलाई से हिंदी बैच स्टार्ट हो रहा है और अग्निपथ बैच एक जून से स्टार्ट हो रहा है जो कि बाईलिंग होने वाला है जैसे मेरी क्लास अभी चल रही है वैसी ही होगी और बोध हिंदी बैच पूरे रूप से पूर्ण रूप से हिंदी माध्यम में होगा ये भी केवल सात हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए में है ऑब्वियसली तब है जब आप कूपन कोड के सी टेन का इस्तेमाल करते हैं एंड पंद्रह जुलाई से यह स्टार्ट होगा इसमें भी आपको सेम मिलेगा कम्प्लीट फिल्म इंटरव्यू प्रिपेरेशन फिल्म के लिए चालीस टेस्ट मेन्स के लिए दस टेस्ट मेन्स मेंटरशिप इंटरव्यू गाइडेंस यानी आपको और कुछ नहीं चाहिए इसके सिवा समुद्र मंथन फ्री मॉक टेस्ट है तेरह मे को है जल्दी से जाए एनरोल करें बोध बैच अग्निपथ बैच समुद्र मंथन आपका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पिनड कमेंट में भी मिल जाएगा जल्दी से जाएं जाके एनरोल करें यूज़ यूसी कोड के सी केसी10 क्वेश्चन न्यूज़ में क्या है न्यूज़ में है ओएनजीसी ने क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के दो ब्लॉक्स मुंबई ऑफशोर में डिस्कवर किए हैं एंड यह कंपनी ने खुद भी क्लेम कर दिया है और कहा है कि अभी डिटेल्स ऑफ़ नहीं देंगे वो डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन को बुलाया गया है जो हैं वो सब भी मैच कर रहे और उसके बाद आप हमारे पास नंबर्स आएंगे कि कितना रिजर्व है कितना गैस है क्यूबिक मीटर्स में है ना वो सब हमें तब पता चलेगा डिस्कवरी का फिलहाल नाम रख दिया गया है दोस्तों एक ब्लॉक का नाम रखा गया है अमृत दूसरे का नाम रखा गया है मूंगा अमृत और मुंगा दो ब्लॉक हैं हमारे और ये ओ ने अभी रिसेंटली ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी में इनको लिया था और उसके बाद यहाँ पर डिस्कवरी की और इन्होंने यहाँ पे ऑयल भी अब और गैस भी यहाँ पर ढूंढ लिया है दोनों ही ब्लॉक्स कहा है मुंबई ऑफशोर में है आपको बता देता हूं दोस्तों मुंबई ऑफशोर क्या हुआ यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं दोस्तों ये जो रेड ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो रीजन है दोस्तों दिस इज मुंबई ऑफ और यहां पर ही अगर आप देखें तो यहां पर ही डिस्कवरी हुई है ऑलरेडी बॉम्बे हाई आप लोग जानते ही होंगे बहुत बड़ा भारत का सबसे बड़ा ऑयल एंड गैस फील्ड है बॉम्बे हाई में ही वहीं पर अलग अलग फील्ड है जैसे अभी आपको अमृत और मूंगा हमने जो नाम रखा है इसके सिवा अन्य बहुत फील्ड मिलेंगे नीलम हीरा अलग अलग नाम से आपको दिखते मिलते हैं वहां पे ढेर सारे ब्लॉक्स हैं तो इसी प्रकार से यहाँ पे अमृत और मूंगा भी सामने आ चुका है दोस्तों ये आपको कह देता हूं कि अभी डिटेल्ड असेसमेंट हमारे सामने आने वाला है और वो डीजीएच फाइनल नंबर हमें देंगे तो अब ये इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों हमारे एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो ब्लॉक्स अभी जाके ढूंढे गए हैं ये ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी का नतीजा है क्या होता है ओपन एकरेज लाइसेंसिंग तो दोस्तों ये एक रिफॉर्म लाया गया था तत्कालीन सरकार के द्वारा तो इसमें क्या होता है दोस्तों सिंगल यूनिफॉर्म लाइसेंस कंपनी को दिया जाता है पहले क्या होता था मान लीजिए मुझे यहां पे एक लाइसेंस मिला और ये लाइसेंस मिला केवल ऑयल के लिए तो यहां पे जाके इस लाइसेंस से इस इलाके में मैं अपने ड्रिलिंग वेल लगा रहा हूं और उससे मैं केवल ऑयल निकाल सकता हूं लेकिन कहा गया कि क्या जरूरत है सेम वेल से ऑयल भी निकल रहा है गैस भी निकल रहा है सेपरेट सेपरेट लाइसेंस लेना पड़ता था बोला वो सब जरूरत नहीं है यहां से तुम्हारी मर्जी है तुमको ये जमीन आवंटित किया गया है अब तुम यहां से ऑयल निकालो गैस निकालो चाहो तो यहां से शेल गैस निकालो चाहो तो यहां से कोल बेड मिथेन निकालो वैसे कोलबेड मिथेन अलग जगह पे होगा लेकिन इस प्रकार से आप चाहो तो कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन रिसोर्स आप चाहो तो यहां से सिंगल लाइसेंस से जो निकालना है निकाल सकते हो इसके सिवा इसकी खासियत क्या थी जो बिडिंग की जाती है पहले क्या होता था दोस्तों सरकार निकालती थी कि ये ये ब्लॉक हम निकाल रहे हैं बोलो किसको बिड करना है अब ये हटा दिया गया ओपन एक्सेस लाइसेंसिंग पॉलिसी में क्या हुआ कि एज अ कंपनी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन सा ब्लॉक लेना है तो वो कंपनी जाके बोलेगी सरकार को मुझे ये वाला ब्लॉक चाहिए अब सरकार ऐसा तो नहीं बोलेगी तुमको चाहिए जाओ ले जाओ ऐसा तो नहीं कर सकते तो क्या करेगी सरकार बोलेगी ठीक है ये ब्लॉक के लिए डिमांड उठी है इसको हम बिडिंग पे डाल रहे हैं और कौन कौन लेना चाहेगा बताओ फिर जाके बिल्डिंग होगी जो जीतेगा उसको मिल जाएगा यानी क्या होता है फ्रीडम है है ओपन एकरेज जो ब्लॉक चाहिए मांगो हम देंगे फ्रीडम टू आउट एकरेज है जिसको जो ब्लॉक चाहिए बस मांगो कॉन्ट्रैक्टर जो चाहे वो हम देंगे फिर बिल्डिंग पे डाल देंगे इसके सिवा दोस्तों यहां पर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल होता है और प्रोड्यूसर को और एक सुविधा दी जाती है आपको जिस दाम पे अपना प्रोड्यूस बेचना है बेचो है ना प्राइसिंग फ्रीडम है क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में कोई लिमिट नहीं जिस दाम पे बेचना है बेचो जैसा मार्केट रेट चलेगा वो वैसे पे बेच सकेंगे और सरकार बोलेगी कि जो तुम्हारा रेवेन्यू हो रहा है वो रेवेन्यू हमें दे देंगे प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है

क्लैरिटी भी रहता तो एडवांटेजेस इसका यही था दोस्तों कि मल्टीपल लाइसेंसेस की अब जरूरत नहीं होती थी हाइड्रोकार्बन अलग अलग है तो जो निकालना है निकालो तो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो पाता था इसके सिवा एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन दोनों में क्वांटम जंप आया है और जो एकरेजेज है जो इलाके अंडर एक्सप्लोरेशन है उनमें भी बहुत ज्यादा उछाल आया है आफ्टर ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी और इस तरीके से जस्टिफाई होती है थंबनेल पे आप में से जो महानुभव मुझे कमेंट करके पूछेंगे सर मोदी जी की तस्वीर क्यों लगाई इसलिए लगाई क्योंकि ये रिफॉर्म है और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस भी इन्हीं की तस्वीर लगाती है जब ये ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के इन्होंने अनवील किया था

कई बार अलग रॉक स्ट्रक्चर में भी मिलता है लेकिन वो नॉन कन्वेंशनल है तो कन्वेंशनली ऑयल एंड गैस अगर आप देखें तो सेडिमेंटरी रॉक स्ट्रक्चर्स में ही आपको देखने मिलता है अब इसमें अगर आप देखें तो भारत में अलग अलग प्रकार के आप देखें तो सेडिमेंटरी बेसेंस हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ये कैटेगरी वन सेडिमेंटरी बेसेंस है तो कैटेगरी वन सेडिमेंटरी बेसेंस में मुख्यतः भारत में ऑयल एंड गैस यहीं से निकाला जाता है तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है आपको बता देता हूं तो ये आप देख सकते हैं नंबर टू जो आपको दिख रहा है दिस इज मुंबई ऑफ शोर नंबर टू इज मुंबई ऑफ शोर यह नंबर सेवन गुजरात वाला है कलोल मेहसाना जहां से ऑयल निकलता है तो ये हो गया कैम्बे बेसिन कैम्बे बेसिन ये आपको याद रखना है दोस्तों वैसे ही आप देख सकते हैं यहां पे ये हो गया कृष्णा गोदावरी फिर यहां पे आप देखोगे नंबर पांच दिस इज कावेरी फिर आप देखोगे तो दिस इज राजस्थान बेसिन ठीक है इसी में आप देखेंगे तो दिस इज असम बेसिन और ये जो है ये

हो सकता है हो सकता है यहाँ पे तेल हो लेकिन अभी कुछ मालूम नहीं है ये उस प्रकार के बेसेंस हैं तो बेसेंस इथ प्रोस्पेक्टिव रिसोर्सेस है जिनको एक्सप्लोर करना होगा डिस्कवर करना होगा तो आप देख सकते हैं कैटेगरी वन बेसन से ही मुख्यतः भारत का प्रोडक्शन होता भी है ओ एनजीसी के जो मेजर प्रोडक्शन सेंटर्स से, हैं, राजस्थान बेसिन में जोधपुर है वैसे तो ही आप देखे तो ओ एनजीसी के सिवा इसी राजस्थान बेसिन में आप देखे तो केन एनर्जी है जो यहाँ पर ऑपरेट करती है जो कि ऐश्वर्या मंगला इन सारे फील्ड से ऑयल एंड गैस प्रोड्यूस करती है इसके सिवा सिवासी का हम गुजरात में महसाना है अहमदाबाद है कलोल है अंकलेश्वर है तो ये सब रीजन हो जाता है मुंबई ऑफ है आप जानते ही हैं कावेरी बेसिन में कराईकल है फिर केजी बेसिन में राजामुंदरी है ईस्टर्न ऑफशोर है इसके सिवा बोकारो में आप देखें तो कोल बेड सीम है तो वहां से गैस प्रोडक्शन होता है इसके सिवा असम से ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन होता है त्रिपुरा से ऑयल एंड त्रिपुरा से भी गैस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो ये सब कुछ मेजर बेसिन है असम अराकान रीजन में भी प्रोडक्शन की काफ़ी संभावना है लेकिन यहाँ पे नागालैंड रीजन में काफ़ी टाइम से मामला अटका हुआ है क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन को लेकर के जो डिमांड्स हो रही हैं विथ रिस्पेक्ट टू तो रिसोर्स शेयरिंग वो सब कहीं ना कहीं मामला अभी उलझा हुआ है एक बार वो रिजॉल्व होगा तो वहां से भी प्रोडक्शन हमें देखने मिलेगा दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा इसके सिवा समुद्र मंथन फ्री मॉक टेस्ट है यूजी कोड केसी टेन जिसके द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं अग्निपथ बैच है 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास है यूज कोट के सी टेन प्रम्स टेस्ट सीरीज है आपके लिए हम लेकर के आए केवल दो हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए में है यूजी कोड के सी टेन मेन सीरीज है दो हज़ार चार सौ निन्यानवे रुपए में इसके सिवा हमारा टीम है ये दोस्तों बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है जिनसे आप पढ़ेंगे और बोध हिंदी बैच में भी काफी कुछ आप सीखेंगे आपको और कुछ नहीं चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए बस सब्सक्रिप्शन चाहिए इस बैच का परस्पेक्टिव सीरीज है इसको भी देखते रहें और हमें अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें